उदयपुर में मादा के लिए दो तेंदुए में हुई खूनी जंग, एक की मौत पर हुई खत्म, वन विभाग ने कराया पोस्टमार्टम। 90 दिनों से धरने पर ग्रेटर नोएडा के किसान, कहा हटेंगे तभी जब मांगे होंगी पूरी। राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर पहुंचे लद्दाख, बंद होने की कगार पर है दिल्ली के 2 अस्पताल। आप सरकार के पूर्व मंत्री ने बताया एनुअल मेंटेनेंस नहीं होने से मशीनें हो रही हैं खराब। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों का किया ऐलान, राज्य में विधानसभा की 230 सीटें। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 21 सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित, बीजेपी का बच चुका है चुनावी बिगुल। नशे में चूर बदमाशों ने सिविल इंजीनियर को चाकू घोप कर मार डाला, इंदौर में 72 घंटे में रोड रेस में यह दूसरा मर्डर। सीधी पेशाब कांड के आरोपी पर एनएसए लगाने को हाईकोर्ट में चुनौती, सरकार को 1 सितंबर तक देना होगा जवाब। आईटी और एफएमसीजी स्टॉक्स में मुनाफा वसूली के चलते फिसला, बाजार गिरावट के साथ बंद हुए भारतीय स्टॉक एक्सचेंज।